आग के हवाले कर दिया। एक जेसीबी, दो मिक्सर मशीन, दो हाईवा में नक्सलियों ने आग लगा दी। इधर सड़क निर्माण के कार्य में ये सभी वाहन लगे थे और इनको आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी की घटना के बाद नक्सलियों ने यहां बैनर भी लगाए। बचे वाहनों को ठेकेदार ने दूसरे गांव में छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना को कुएं एरिया कमेटी ने अंजाम दिया है। मर्रापी कलमुच्चे मार्ग पर ये निर्माण कार्य चल रहा था। 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है नक्सलियों ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो एक जेसीबी, दो मिक्सर मशीन और दो हाईवा में आग लगा दी है नक्सलियों ने और आगजनी के बाद यहां बैनर भी लगाया है। तो एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। कुए एरिया कमेटी ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है और मर्रापी कलमुच्चे मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा था जहां पर इन वाहनों का इस्तेमाल हो रहा था। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रकाश ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, लोगों में दहशत का माहौल बनाने के लिए नक्सलियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है, क्या जानकारी? जी सुभांगी, मैं बता दूं कि जो नक्सली की टीम है सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर इस वक्त पहुंची है, जहां पर कल नक्सलियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है और जिसमें 2 हाईवा है और हाईवा के साथ जिसकी वाहन और मिक्सर मशीन है, इन जो वाहन है इनको आग के हवाले किया गया है। जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे थे और उनके कर्मचारी थे वो काम छोड़कर भाग गए हैं और जो वाहन, जो सुरक्षित वाहन है उनको ठेकेदारों ने गांव के दूसरे गांव पर सुरक्षित रख दिया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए जहां पर नक्सलियों ने बैनर लगाया है और वाहनों को आग के हवाले किया गया है। ये पहाड़ का सबसे इलाका है जहां पर ग्रामीण ये चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि मूलभूत सुविधाएं आदिवासियों को, यहाँ के रहने वालों को मिले, लेकिन जो नक्सली आदिवासियों के होने का हिमायती होने का दम भरते हैं वही नक्सलियों ने इस सड़क निर्माण हुए और निर्माण कार्य को बंद करने की चेतावनी दी है। अगर वो जो ठेकेदार है यहाँ निर्माण का मौके की सदन की बात उन्होंने बिना किया गया है, वाहन है, वाहन बिल्कुल जलकर राख हो गई, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो इलाका संवेदनशील इलाका है यहाँ पर विकास कार्य कैसे होंगे? आदिवासियों के वो हितैषी है तो वो आदिवासी हितैषी कैसे होंगे जबकि यहाँ लगभग ये जो मूलभूत सुविधाएं है लगभग 70 से 73 साल बाद आज हो रही है संभवतः, तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि जो नक्सली आदिवासियों के हितैषी होने का दम पर है वो कैसे हितैषी है। शुभांगी, बिल्कुल प्रकाश, और ये भी कहा जा सकता है कि सड़क निर्माण के कार्य में बाधा डालने के लिए भी नक्सलियों ने यहाँ खौफ पैदा करने के लिए इस आगजनी को अंजाम दिया है। और क्या कुछ कहना है पुलिस की ओर से, क्या कुछ कहना है? जो विकास कार्य है उनमें मदद करते हैं और वो सुरक्षा भी मदद करते हैं, लेकिन ये जो घटना है कायमगंज जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की घटना, तो पुलिस विभाग ने भी ये अपेक्षा नहीं किया था कि नक्सली यहाँ पर पहुंच के इस तरह से घटना को अंजाम देंगे, लेकिन जिस तरह से नक्सलियों ने अंजाम दिए तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब जो सड़कें हैं वो कैसे बनेगी, क्योंकि हालांकि पूर्व में जो पुलिस विभाग है उन्होंने इस जो पहाड़ है उस पहाड़ को काटते हुए रास्ता बनाया था कि जो ग्रामीण है उनको आने जाने में घंटों का समय है, उन्हें वो जो उनकी तकलीफें हैं वो तकलीफें कम हो चुके, लेकिन जो नक्सली है वो नहीं चाहते कि आदिवासियों के इलाके में मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, आदिवासी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और उनका विकास हो सके। तो भांगी, बिल्कुल प्रकाश, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आगजनी के बाद नक्सलियों ने यहां बैनर भी लगाया, 5 गाड़ियों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों का मानना है कि यहां के रहने वाले आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं ना मिले जिसके चलते खौफ पैदा करने के लिए और सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने के लिए नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है।